नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में और मैं हूं आपकी मेजबान सिमरन सिंह। आप सभी दर्शक हमारा यह खास कार्यक्रम देख रहे हैं विद्या के चैनल नंबर 6 से 12 पर और हमसे राब्ता करने का एक और जरिया है, आप सब जानते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल यानी एनसीईआरटी ऑफिशियल। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी क्योंकि आज का जो खास कार्यक्रम है ये आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जान लेते हैं वो विभिन्न माध्यम जिनके जरिए आप हम सभी तक संपर्क साध सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो यदि पूरे सत्र के दौरान कोई भी सवाल आपके जहन में आते हैं तो आप हमें एनसीईआरटी ऑफिशियल के कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये कॉन्टैक्ट नंबर जरूर नोट डाउन कर लीजिए, हमारा नंबर है 8800440559 और खास तौर पर एक आधिकारिक मेल आईडी आप सभी के लिए ddh.class12@cieet.nic.in। तो आप सब सोच रहे होंगे कि आज चर्चा का विषय क्या है, यानी आज किस विषय पर गुफ्तगु होगी। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आज इस सत्र में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बातचीत करने वाले हैं जो एक महान विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। प्रेम और श्रद्धा से हम सभी ने बाबा साहेब अम्बेडकर कहकर पुकारते हैं। आप सबने सही समझा, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। एक मजबूत व्यक्तित्व के व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने लक्ष्य को समर्पित कर दिया। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन और उनका राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान। और इसी चर्चा पर और बातचीत करने के लिए, हमें बेहतरीन जानकारी प्रदान करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ एक मेहमान भी उपस्थित हैं। तो चलिए उनसे आपका तारुफ कराते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं मिस्टर आरएल केन सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हम आपका आज के हमारे इस खास सत्र में। धन्यवाद सर। रिटायर्ड हैं डैनिक्स से दिल्ली गवर्नमेंट, सर सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, साथ ही साथ रिसर्च स्कॉलर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड अम्बेडकर रत्न अवार्डी भी। सर पुनः आपका स्वागत करना चाहूंगी मैं आज के इस बेहतरीन सत्र में। अपने दर्शकों को ये भी बताते जाते हैं कि आज 6 दिसंबर है और आज ही के दिन को हम डॉक्टर बीआर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के रूप में जानते हैं। तो सर चर्चा की शुरुआत क्यों ना यहीं से की जाए। आज बाबा साहब अम्बेडकर का 67वां पुण्यतिथि है। आज के दिन 6 दिसंबर 1956 को 26 अलीपुर रोड जो दिल्ली में स्थित है वहाँ पर उनका परिनिर्वाण हुआ था। और उनका राजनीतिक जीवन सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर अंत में यहीं पर शुरू हुआ और यहीं पर उनका अंत भी हुआ। आज जिस जगह वो रहते थे 26 अलीपुर रोड पर, आज वहाँ राष्ट्रीय स्मारक बनाया जा चुका है और वहाँ बहुत सारी सामग्री उनसे संबंधित, संविधान से संबंधित रखी है और अभी उसमें कुछ बहुत गुंजाइश है उसमें और कुछ उनकी पर्सनल चीज़ों को इकट्ठा करके रखने की। तो ये आज के दिन की महत्वपूर्ण घटना है कि आज के दिन संविधान निर्माता जिन्हें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, ये उनकी राष्ट्र को देन थी कि इसीलिए राष्ट्र उनको आज संविधान निर्माता के रूप में याद करता है। बिल्कुल सर, सर आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो एक गहन समझ बनाने के लिए आज के विषय से जुड़ी हुई हमारे सभी दर्शकों के लिए, तो क्यों ना आप अपने सत्र की शुरुआत करते हैं। तो यदि आपके कोई भी सवाल हैं तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। सर सबसे पहले मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि उनके जीवन का, बी आर अम्बेडकर जी के जीवन का परिचय कराइए, उनका कहाँ जन्म हुआ था, उनके माता पिता के बारे में हमारे सभी दर्शकों को बताइए। देखिएगा, वैसे तो इनके गाँव महाराष्ट्र में स्थित था दापोली के अंदर, और इनके पिताजी जो थे सूबेदार रामजीराव अम्बेडकर, संखपाल नाम था उनका, और वो सेवा में, वो मिलिट्री की सेवा के अंदर कार्यरत थे। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ उस समय सूबेदार रामजी राव जी की जो पोस्टिंग थी
वो महू छावनी के अंदर इंदौर में, आज जिसे मध्य प्रदेश का भाग माना जाता है, वहाँ मऊ छावनी के अंदर उनका जन्म हुआ और 14 अप्रैल 1891 को ये इनका जन्म हुआ। और ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थी और अंतिम थी, और इनको 14वां रतन भी कहा जाता है। और सर, इनके माता पिता का नाम, वे कहाँ के रहने वाले थे, क्या व्यवसाय था उनका? मैंने जैसे बताया, जन्म तो इनका मऊ छावनी में हुआ इंदौर में, लेकिन इनका पैतृक गांव एंसेस्टर विलेज वो दापोली में था, और वहाँ इनके गांव का असली नाम आंबाबड़े था जी। और यहीं से इनके नाम की शुरुआत भी हुई। हाँ जी। और जब ये कुछ बड़े हुए तो शिक्षा के लिए ये, जब इनके पिताजी की नौकरी रिटायर हो गए तो अपने गांव पैतृक आकर बसे, लेकिन दापोली के अंदर उन्हें दाखिला नहीं मिला। दाखिला न मिलने के कारण फिर इनको सतारा में जाना पड़ा, और सतारा में जाकर जब बसे तो वहाँ एक स्कूल के अंदर इनको वो भी बड़ी मुश्किलों के साथ में किसी अंग्रेज की सिफारिश पर जाकर किसी सरकारी स्कूल में इनको दाखिला मिला। ये सबसे बड़ी उनके साथ में दुर्भावना रही कि अछूत होने के नाते से इनको सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं मिला। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, लेकिन जब इनको दाखिला मिला तो इस बुक उनका नाम लिखा गया भीमराव आंबाबड़े जी। जो बाद में चलकर हम उनको, उनके एक टीचर ने ये कहा कि ये आंबाबड़े जो शब्द है ये कुछ थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैंने भी अपने नाम के साथ अंबेडकर किया है, तो उन्होंने अपने नाम का अंबेडकर शब्द इनको देकर सुझाव दिया कि आज से आपका नाम भी भीमराव आंबेडकर लिखा जा रहा है। तो स्कूल के टीचर के सुझाव पर आंबाबड़े करके जगह आंबेडकर लिखा गया। ये इनके खूबसूरती रही कि वहाँ एक परंपरा है महाराष्ट्र के अंदर कि जो जिस गांव में पैदा होता है वो उस गांव के नाम को अडॉप्ट करता है, इसीलिए इनका नाम आंबाबड़े कर गांव का होने के नाते से आंबाबड़े, तो उसी गांव के नाम के हिसाब से इनका नाम शिक्षक के कहने पर अंबेडकर पड़ा। और इनके पिताजी सूबेदार थे रामजी राव सकपाल, और इनकी माता रमाबाई थी, और ये 14वीं संतान थी। इस प्रकार इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सतारा में पाई जी। और सतारा में जब इनको शिक्षा मिली तो इनको बहुत दुख हुआ कि इनको बैठने के लिए व्यवस्था गांव उसके क्लास के बाहर गैलरी में बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि उस वक्त देश के अंदर छुआछात, भेदभाव, डिस्पेरिटी बहुत ज्यादा थी जी। और वो इनके जीवन पर छाप पड़ी कि मुझे अलग क्यों बैठाया जा रहा है। ये घर से टाट का टुकड़ा घर से लेकर आते थे और उसे गैलरी में बैठ के पढ़ते थे। एक बार नहीं, अनेक बार तो ऐसा भी देखा गया कि कई बार टीचर इनकी स्लेट को छूकर उसमें सही या गलत का निशान तक नहीं लगाते थे, इनकी स्लेट को भी नहीं छूते थे। ये एक ऐसी परंपरा थी जो उनके जीवन में आगे चलकर इतनी इनके मस्तिष्क के अंदर छाप पड़ी कि ये कुरीतियाँ क्यों और कैसे चली आ रही हैं। ये सब बचपन से ही इनको सहन करना पड़ा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही। बिल्कुल। तो सर, यहाँ पर हमने शुरुआती जीवन का भी परिचय करा दिया है कि प्रारंभिक रूप से कहाँ पर वो पढ़े थे, और कुछ आपने उनकी शिक्षा के बारे में भी बताया है, और ये बहुत ही रोचक कहानी है जो आपने साझा की है कि उनका नाम अंबेडकर कैसे पढ़ा। तो आगे बढ़ते हैं सर, जैसे हम शिक्षा की बात कर रहे थे, उच्च शिक्षा के लिए सर उन्हें अमरीका भी जाना पड़ा था, तो वहाँ पर जाके कौन सा कोर्स, किसमें उन्होंने पढ़ाई करी, और अमरीका जाने के जो विचार था किस तरह महसूस करते थे वे उसके बारे में, कैसे का वातावरण लगा उन्हें वहाँ जाके? देखिएगा, जब इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई से
दसवीं क्लास की परीक्षा पास की और उसमें बहुत अच्छे नंबर आए, तो महाराजा बड़ौदा ने उसी जमाने में एक घोषणा करी कि अगर कोई अछूत जाति से, उस वक्त अछूत कहा जाता था, अछूत जाति से अगर कोई विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास होगा और आगे पढ़ना चाहता है तो मैं उन्हें छात्रवृत्ति दूंगा। तो एक टीचर की सिफारिश पर महाराजा गायकवाड़ को एक पत्र लिखा गया और उन्होंने उनको बुलाया और 1913 में इनको छात्रवृत्ति देकर अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा गया। और छात्रवृत्ति उस समय बहुत कम थी, लेकिन ये अपनी उसी सीमित छात्रवृत्ति के अंदर वहाँ रहकर उस वातावरण में इन्होंने अपने आप को ढाला और एडजस्ट किया और इन्होंने अमेरिका वहाँ पहुँच के। सर कौन से विश्वविद्यालय में? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर इनको वहाँ दाखिला मिला और उसके बाद जब इनको एक अवसर मिला कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण कर ली है वहाँ, उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड जाने के लिए अपने इकोनॉमिक्स के में इनका रुझान था, तो जब इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए ये इंग्लैंड गए तो उन दिनों देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन की एक लहर सी चली हुई थी। तो जो भारत का विद्यार्थी इंग्लैंड में जाता था तो उसके पीछे वहाँ CID जो है उसकी छानबीन करती थी। इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर जब इंग्लैंड गए तो वहाँ इनकी छानबीन हुई और इनकी तलाशी तक ली गई, इनसे सवाल जवाब भी किए गए। ऐसा कुछ सामग्री या इनके विचार नहीं मिले कि ये देश के आंदोलन के अंदर यहाँ आए हैं या किसी प्रकार की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यहाँ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। जब उनको पूर्ण विश्वास हो गया तब उन्होंने वहाँ रहने के लिए उन्हें इजाज़त दी और ये वहाँ पढ़े। तो सर जैसा कि आपने जिक्र किया सामाजिक कुरीतियों के बारे में कि उस समय भी जब पढ़ रहे थे अम्बेडकर जी तो भेदभाव था, छुआछूत की भावना थी लोगों के बीच में, तो सर ऐसे में अंबेडकर जी का सामाजिक कुरीतियों को लेकर क्या नज़रिया था, किस तरह से वो देखते थे, क्या वे चाहते थे, और ख़ास तौर पर जब हम समाज सुधारक के नाम से उन्हें जानते हैं तो क्या ये बीड़ा उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में ही उठा लिया था? देखिएगा, किसी के जीवन में जब ये ऐसी घटनाएँ घटती हैं और रोज़मर्रा उन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है तो इनके मन में एक ऐसा विचार आया कि ये जो वातावरण है भारत का, छुआछात, भेदभाव, ऊंच नीच, नफरत की निगाह से देखना, इन सब को मिटाने का बीड़ा उन्होंने अपने उसी जीवन में ले लिया था। एक घटना बड़ी रोचक है, जब महाराजा बड़ौदा ने एक करार किया था कि जब आप पढ़कर आ जाएंगे तो आपको मेरे दरबार में 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी, ये उस एग्रीमेंट की क्लॉज थी। जब ये वहाँ से पढ़कर आए 1917 में भारत लौटे और बम्बई से जब ये अपने बड़े भाई के साथ बड़ौदा गए तो महाराजा बड़ौदा के ऑफिस में जाने के बाद अपना वहाँ पत्र दिया कि मैं नौकरी के लिए यहाँ आया हूँ और मुझे अपॉइंटमेंट दी जाए। उन्होंने पहले तो कई पदों पर इनको रखने के लिए स्थान दिया था, जैसे अंत में इनको मिलिट्री सेक्रेटरी बनाया गया, इससे पहले उनको वो देना चाहते थे सेक्रेटरी फाइनेंस, लेकिन सेक्रेटरी फाइनेंस ना देकर इनको डिफेंस का चार्ज दिया गया और उसमें इनको रखा गया। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, वो इनके जीवन में अमिट छाप की तरीके से छा गई, वो थी कि इनको रहने के लिए स्थान नहीं था। जब इनको रहने के लिए स्थान नहीं था तो कहाँ जाएं, जिस भी होटल में जाएं कमरा बुक करने या गेस्ट हाउस में, कोई भी आदमी ये कहकर उनको अपने हाँ कमरा नहीं दे रहा था कि आप अछूत हैं, महार हैं। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना है कि उनको एक नहीं कई होटलों में जाकर देखना पड़ा, धर्मशालाओं में जाकर कॉन्टेक्ट करना पड़ा। एक रात तो इनको एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने बड़े भाई के साथ में गुजारनी पड़ी। अब ये कितनी बड़ी घटना है, अगर किसी को जाति पाति के आधार पर
कमरा रहने को ना मिले, और इतने बड़े पद के ऊपर जिस महाराजे की नौकरी करना है वो भी अगर व्यवस्था ना कर सके, ये ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि हम इस स्थिति को वो उनके मानस पटल के ऊपर हमेशा के लिए ऐसी छाप छोड़ गई कि ये जो भेदभाव और कुरीति भारत के अंदर है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं समाज में इस बराबरी को मिटाने के लिए संघर्ष करूँगा, और ताकि ये जात पात भेदभावपूर्ण जो रवैया है इसको मैं ख़त्म कर सकूँ। ये जब रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे बैठे थे तब उन्होंने ये दृढ़ प्रतिज्ञा करी कि मैं इस भेदभाव को ऊंच नीच को मिटा के रहूँगा, मैं इस कुरीति को जो कट्टरपंथी हिंदुओं ने फैलाई हुई है इसको मैं ख़त्म करके रहूँगा और मैं चैन से नहीं बैठूँगा। ये इन्होंने प्रतिज्ञा करी और अंत में इन्होंने सामाजिक जीवन जीने शुरू किया। वहाँ से लौटे महाराजा बड़ौदा की नौकरी रिजाइन करने के बाद जब उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी तो ये अपने गांव में दोबारा वापस आ गए। तो गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि ये अपने जीवन का लालन पालन कर सकें। तब ये फिर बॉम्बे में शिफ्ट हुए, वहाँ एक परेल में चाल में रहने लगे। इन्होंने एक कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में इनको किसी अंग्रेज की सिफारिश पर इनको रखा गया, लेना नहीं चाहते थे लेकिन लिया गया। उसके बाद इनके लेक्चर को सुनने के लिए बहुत आतुर तो रहते थे लेकिन वो भेदभाव वहाँ भी नहीं मिटा। उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ी, उसके बाद उन्होंने वकालत की और वकालत भी करने के लिए जब ये गए तो वहाँ उन्हें बैठने की व्यवस्था तक नहीं हो पाई, क्योंकि पहले ना तो कमरे थे, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई बिल्डिंग के कोने में बैठा है इधर उधर, लेकिन इनको कोई अछूत होने के नाते से इनको सीट भी प्रोवाइड नहीं हो सकी। लेकिन इनकी विद्वत्ता इतनी थी कि ये जिस केस में भी हाथ डालते थे उसमें इनको सफलता मिलती थी। इनकी थोड़ी सी वो चली वकालत और उसके बाद कुछ इनका काम चला, जीवन यापन करने लगे, लेकिन उससे इनका जो सामाजिक कुरीतियों के प्रति इनके मन के अंदर एक भाव था वो मिटा नहीं पा रहे थे। तब इन्हें वहाँ वकालत भी छोड़कर सामाजिक जीवन में उतर गए और वहाँ कुछ संस्थाओं का गठन करके लोगों के बीच में गए, और तब ये सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हुए इनका जो है बहुत लोगों से संपर्क हुआ, इन्होंने आंदोलन चलाए और तब जाकर इनको कुछ सफलता मिलनी शुरू हुई। बिल्कुल सर। तो साथ ही मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि आज हम इस सत्र के दौरान जो भी बातें कर रहे हैं ये बात समझनी बहुत अहम है कि जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं तब परिस्थितियाँ बहुत अलग थी और आज परिस्थितियाँ बहुत ही अलग हैं। सर, बी आर अम्बेडकर जी को हम सभी आज अपना आदर्श मानते हैं, पर वे अपना आदर्श किसे मानते थे? देखिएगा, वैसे तो जब इनका विद्यार्थी जीवन था पारिवारिक, उस वक़्त इनके जो शिक्षक थे उसमें उनको ये आदर्श मानते थे अपने इनके परिवार के अंदर, जैसी एक परंपरा रही है संतों को मानने की। तो इनके पिताजी वैसे तो ये कबीरपंथी होने के नाते से एक उनकी वहाँ पूरे परिवार की आस्था थी, लेकिन जब ये पढ़ लिख गए उस आस्था से इनका मोह भंग होता चला गया। इन्होंने उनकी सामाजिक जो चेतना थी उनको अपनाया और एक बार जब इन्होंने दसवीं क्लास की परीक्षा अच्छी नंबरों से पास की तो इनके एक टीचर ने इनको एक बुद्ध चरित्र के ऊपर किताब दी,
उस किताब को पढ़ने के बाद जो इन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया जी। उस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते ये बौद्ध धर्म की तरफ इतने आकर्षित हुए कि वो इनका आदर्श बन गया। बिल्कुल। और सर, सामाजिक संघर्ष के प्रति भीमराव जी का जो नजरिया था वो आपने बखूबी साझा किया हमारे सभी दर्शकों के साथ। सर, जैसा कि आपने उनके गुरु की बात की, उनके शिक्षक की बात की, तो ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर का शिक्षक के प्रति किस तरह के उनके विचार थे कि एक आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए? जैसे उन्होंने वेदना और प्रताड़नाएं अपने विद्यार्थी जीवन में देखी जी। उन सब से निमटने के लिए उन्होंने एक अपने मन में धारण कर लिया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो देश में यूनिवर्सल हो और सबको बराबरी से देखा जाए और सबका सम्मान होना चाहिए, ऐसी शिक्षा नीति हमारी बननी चाहिए। ये बाद में चल के जब संविधान निर्माण के क्षेत्र में आए तब ये उन्होंने अपनी नीतियों का महानिर्धारण किया, मैं उसके बारे में आगे चलकर बताऊंगा। बिल्कुल। सर, संविधान निर्माण पर भी हम जिक्र करेंगे। जैसा कि हमारे दर्शक देख सकते हैं कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ये 5 वॉल्यूम जो हैं यहाँ पर मौजूद है, पर उससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सर, भीमराव जी ने पिछड़ी जाति के लोगों के कल्याण के लिए बहुत कार्य किया, मैं चाहूँगी कि उस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिएगा, इससे पहले कि मैं उस आपके प्रश्न पर आऊँ, मैं ये बताना अपने दर्शकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षाविदों को बताना जरूरी है कि जिस संविधान सभा के अंदर ये चुनकर आना चाह रहे थे उस वक्त ही बम्बे में रहते थे, इनका सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन बम्बे से शुरू हुआ, तो बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये मेंबर तो जरूर थे लेकिन इनके पास संख्या बल नहीं था कि ये संविधान सभा में चुनकर चले जाएं जी। तो वहाँ जो समस्या थी कि 5 सदस्य नाम की प्रपोजल करेंगे और उसका अनुमोदन लेजिस्लेटिव काउंसिल करेगी, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, इनके पास संख्या बल नहीं था, तो कुछ लोगों ने उस वक्त के स्वाभिमानी राजनीतिक लोगों ने इनकी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत रेवोल्यूशनरी टाइप हैं, उन्होंने ये देख लिया था बॉम्बे लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर कि इनकी परख क्या है, देश में भेदभाव ऊंच नीच को मिटाना चाहते हैं, तो बॉम्बे के अंदर ये एक ऐसी धारणा जागी उस वक्त के नेताओं में, इनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, कि डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा के अंदर नहीं जाने देंगे हम इस संविधान अपने से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। तब बंगाल में मुस्लिम लीग थी और वहाँ मुस्लिम लीग का राज होने की वजह से उन्होंने अपने सदस्यों की नियुक्ति कर ली जो उनका कोटा था, लेकिन कुछ सीट बाकी बच रही थी, तो डॉक्टर अम्बेडकर को वहाँ रिजर्व सीट पर पहले जिताया गया। वहाँ की काउंसिल के लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और उन्होंने उनके नाम को प्रपोज कर संविधान सभा में आ गई। जब ये सभी संविधान सभा में आए, कुछ लोगों को महसूस हुआ कि हमने इनके सारे रास्ते बम्बई में बंद कर दिए लेकिन ये फिर भी पूर्वी बंगाल से चुनकर आ गए। इस समय जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, इनकी सदस्यता जो थी वो खत्म हो गई, या तो उस सदस्यता खत्म होने के साथ ये पाकिस्तान जाएं जी। और या भारत में रहें जी। भारत में रहेंगे तो रिजाइन करना पड़ेगा सदस्यता से, और अब सदस्य रहे नहीं। एक बड़ी रोचक घटना है, ऐतिहासिक है, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये देखा कि अनेक कमेटियों के अंदर काम करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिभा का उन्हें पता चल गया। 30 जून 1947 को उन्होंने बॉम्बे के जो प्राइम मिनिस्टर कहलाए जाते थे, बीजी खैर, उस जमाने में आज के मुख्यमंत्री को हम प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे, तो उनको एक चिट्ठी लिखी कि मैंने पहले भी आपको पत्र लिखा है और अब मैंने M.R. जयकर को रिजाइन कराकर एक सीट बॉम्बे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में खाली करा ली है, वो रिक्त स्थान डॉक्टर अम्बेडकर से भरा जाए और उनका चुनकर वहां से आना जरूरी है, नहीं तो देश
उनकी संविधान बनाने की जो क्षमता योग्यता है उससे महरूम रह जाएगा। ये एक बड़ी बड़ी रोचक घटना है जो आज तक हमारे पब्लिक डोमेन किताबों में नहीं आई है। वो 30 जून 1947 को पत्र लिखा और उसके मुताबिक बाबा साहब अम्बेडकर से फॉर्म पर साइन करा के दिल्ली से बॉम्बे भेजे गए और बॉम्बे भेजने के बाद उनको जिस संविधान सभा में लाने के लिए लोगों ने प्रतिज्ञा करी कि हम नहीं जाने देंगे, वहीं से चुनकर आए और फिर बाबा साहब अम्बेडकर को दोबारा स्थान संविधान सभा में मिला। जब संविधान सभा में आ गए उसके बाद 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ और अगले दिन 30 अगस्त 1947 को उसी 7 सदस्यीय कमेटी ने उनको चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी चुना। ये एक बड़ी रोचक घटना थी। जब इस बात की सूचना के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक प्रतिनिधि भेजा था कि क्या आप इस पद को स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने बड़े खुले दिल से इसका स्वागत किया कि मैं जिस सभा में सदस्य चुनकर आने लायक नहीं था, आज मुझे सदस्य बनाया जा रहा है ड्राफ्टिंग कमेटी का। और अगले दिन उनको फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी चुना गया। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना थी और उन्होंने सपना भी नहीं देखा था कि मैं एक दिन इस संविधान बनाने के निर्माण का एक चीफ आर्किटेक्ट बनूंगा। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना थी और आज हम इसी उनके क्रियाकलाप, उनकी विद्वत्ता की वजह से हम उनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माता कहते हैं। और 2016 में भारत सरकार ने संविधान दिवस मनाने का निर्णय किया है और उसी की याद के अंदर ये संविधान दिवस भी मनाया जाता है। उस दिन हम उनको याद करते हैं। जी सर, तो जैसा आपने बताया कि वैसे तो उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई, पर क्या ये उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी जिसका अभी आपने जिक्र किया? चुनौतियां तो थी, लेकिन ये चुनौती उन्होंने स्वीकार कर ली कि मैं ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर और चेयरमैन बनूंगा। लेकिन अब समस्या थी संविधान निर्माण की। हाँ जी। उस संविधान निर्माण में हमारे सामने एक समस्या आई कि अब तक जो निर्णय लिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप ड्राफ्ट बनाइएगा, संविधान का मसौदा बनाइएगा। उस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे सर बी एन राव, उनको कई देशों में भेजा और उन्होंने कई देशों के संविधानों का इकट्ठा करके अध्ययन किया और उन्होंने एक ड्राफ्ट दिया जिसके अंदर उन्होंने 243 आर्टिकल और 13 शेड्यूल दिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने समस्या थी कि भाई जो निर्णय अब तक लिए जा चुके हैं और आगे लिए जाने हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, तो एक दुविधा में थे बाबा साहब अम्बेडकर के जो पहले लिए गए निर्णय हैं उनमें आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, मुझे कुछ लिबर्टी दी जाए। इसी संदर्भ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक पत्र लिखा, मुझे इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए कुछ ऐसी छूट दी जाए, डेविएशन करने की, ताकि मैं इस ड्राफ्ट को ऐसा बनाऊं कि संविधान सभा के अंदर जब जाए तो सब उसके ऊपर विचार करने के बाद अपने किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। तब जाकर इन्होंने आर्टिकल 315 आर्टिकल का ड्राफ्ट बनाया ड्राफ्टिंग कमेटी ने और 315 आर्टिकल जो संविधान के अंदर प्रारूप में आए, बाद में चलकर वो 386 हो गए, लेकिन चलते चलते जब निर्णय अंत में हुआ तो 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल बनाए गए। ये बाबा साहब अम्बेडकर की एक विशेष देन थी कि जो ड्राफ्ट दिया है
जो उन्हें परमिशन लिमिटेड मिली थी उसका प्रयोग करते हुए, उसका सदुपयोग करते हुए उन्होंने इस ड्राफ्ट को बनाया और हमारे सामने ये बुक्स हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स की 5 बुक हैं, 12 वॉल्यूम है। इन 12 वॉल्यूम के अंदर दिन प्रतिदिन की जो रोजाना की हम वर्ड बाय वर्ड डिस्कशन करते थे वो इसके अंदर मौजूद है। और देश का संविधान एक ही दिन में बनकर या एक ही दिन हमने संविधान सभा के रखकर पास नहीं करवाया, इस पर 2 साल कई महीने 8 महीने 17 दिन तक इस पर बहस चली और दिन प्रतिदिन की कार्रवाई को उन्होंने देखा। और इसमें राष्ट्र से हमने ऑब्जेक्शन सजेशन मांगे जो 7635 पब्लिक ऑब्जेक्शन और यह संविधान सभा के सदस्यों से आए, उन सबको शॉर्ट लिस्ट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन होने के नाते से 2473 जो सजेशन आए थे उनका डे टू डे का ब्यौरा, उन पर डे बाय डे डिस्कशन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये किताबें हमारी गवाह हैं ये दिन प्रतिदिन की। लेकिन इन किताबों में एक छोटी सी भूल हो गई, उस भूल सुधार के लिए मेरे जैसे विद्यार्थी या एक शोधकर्ता हमेशा कटिबद्ध रहता है कि डॉक्टर अंबेडकर का इन बुक्स के अंदर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं छपा है। ये एक बहुत बड़ी इसमें विडंबना है कि इसको दोबारा छपना चाहिए, जहां उसके स्थान है 4 नवंबर 1948 को उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया, वो इसके अंदर दोबारा संकलन होना चाहिए, आना चाहिए, जिससे कि आम जनता को किसी प्रकार का कोई भ्रम ना रहे कि किस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। जी तो सर, भारतीय संविधान का जो मसौदा था वो बनकर कब तैयार हुआ और जब इसे पेश किया गया तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने विचार भी प्रकट किए थे, अपने उद्गार प्रकट किए थे सभी के समक्ष, उसके बारे में भी हमें बताइए। क्या देखिएगा इस विषय के ऊपर मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि भारत के संविधान सभा की जो पहली मीटिंग है 9 दिसंबर 1946 में प्रारंभ हुई और उस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं था कि हम किस चीज को सामने रखकर अपना संविधान बनाएं। तो नेहरू जी ने अपना एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए और उस पर चर्चा हुई, लगभग 1 महीना चर्चा करने के बाद तो पास तो हो गया, बहुमत था उस वक्त उनके साथ, लेकिन उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, गलतियां थी। डॉक्टर अंबेडकर, M.R. जयकर और अनेक सदस्यों ने उनको बताया कि संविधान इसके अनुसार नहीं बन सकता, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपना इसमें प्रियम्बल जो है वो रखा। और लगभग 26 फरवरी 1948 को उन्होंने एक गजट नोटिफिकेशन कराया, उसमें प्रियम्बल को उन्होंने नंबर 1 दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो नंबर 1 हटा दिया गया, लेकिन इसको फिर भी बिना सीरियल नंबर के रखा गया। और डॉक्टर अंबेडकर ने जब इस के प्रस्ताव को लेकर आए तो इस प्रियम्बल पर चर्चा हुई, इस प्रियम्बल के ऊपर लगभग 6 सदस्यों के नोटिस आए थे। इस प्रियम्बल के अंदर कुछ लोग ये चाहते थे कि देश में जिन लोगों ने बहुत बड़ी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है उनका नाम इसमें डाला जाए और या भगवान का नाम डाला जाए, परमेश्वर का नाम रखा जाए, जैसे कि हुई दी पीपल ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो प्रस्ताव नहीं माना। क्यों नहीं माना? कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितनी भी उसके पर उसने देश के प्रति कुर्बानी क्यों ना की हो, लेकिन उसका नाम प्रियम्बल में नहीं आ सकता। इसी प्रकार 5 और हमारे पास अमेंडमेंट आई थी जिनमें
परमेश्वर का नाम रखा गया, गॉड का, गॉडेस का नाम रखा गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मैं एक भी अमेंडमेंट को मानने के लिए तैयार हूँ। मेरा प्रीएम्बल 3 भागों में विभाजित है और एक कोमा तक भी इसमें लगाने के लिए मैं तैयार नहीं। इस प्रकार से ये हमारा प्रीएम्बल तैयार हुआ। आज हमारा संविधान सार्वभौमिक है, धर्मनिरपेक्ष है, तो हम इस धर्मनिरपेक्ष को इसी कि ये इसको हम विंडो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। ये प्रीएम्बल जो है हमें दर्शाता है, हर देशवासी को ये बताता है, हम भारत के लोग इस संविधान में विश्वास रखते हैं और इसी के मुताबिक हम हर साल, हर 5 साल बाद, 5 साल के बाद सरकार को चुनते हैं। वही हम लोग जो हैं, ये किसी का दिया हुआ नहीं है, ये भारतवासियों ने खुद अपनाया है। ऐसा संविधान दुनिया के किसी भी देश में नहीं है जिसमें लोगों ने ये माना हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरीके की भाषा किसी की रही हो। और अंत में इसको 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पास किया। ये हमारी इसकी इम्पोर्टेंस है। और 24 जनवरी 1950 को सभी सदस्यों ने इसको साइन किया, क्योंकि हम कुछ प्रथाओं से बंधे हुए थे तो हमें वो निभानी भी पड़ी। जब ये सदस्यों ने साइन किए तो ये उनके सिग्नेचर हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के, ऐसे ही सारे सदस्यों को एक एक करके सिग्नेचर इसमें किए गए। हमारा संविधान 22 पार्ट में डिवाइडेड है, हर पार्ट के शुरू के अंदर एक इलस्ट्रेशन दी हुई है। हमें गर्व है, हमें गर्व है कि हमारे संविधान के अंदर धर्म निरपेक्षता को हर भाग में दर्शाया गया है, ना कि प्रीएम्बल में। उन चित्रों के माध्यम से भी हमने अपने पौराणिक चीज़ों को अपनाया है, उन विषयों को अपनाया है और इसे संविधान का पाठ बनाया है, इसीलिए हम इसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। ये हमारी विशेषता है। बिल्कुल सर, हम सर वो सिग्नेचर देख रहे थे, तो एक बार फिर से मैं चाहूँगी कि आप उस एरिया को एम्फेसाइज करके दिखाइए हमारे सभी दर्शकों के लिए, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के ये असली सिग्नेचर हैं। ये हमारे सिग्नेचर हैं उनके, बिल्कुल। और ये सारे सदस्यों के, इसमें वन बाय वन करके सारे सदस्यों ने सिग्नेचर किए हैं और ये सिग्नेचर का हमारा अंतिम भाग है और सारे सदस्यों ने इस पर अपने सिग्नेचर किए हैं। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबी है। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर संविधान निर्माण के बारे में हम समझ चुके, हम स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। यूं तो मुझे लगता है सर, स्वतंत्रता और आज़ादी के मायने हम सब समझते हैं, जैसे अंग्रेजी में फ्रीडम भी कहा जाता है, पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता, इसका क्या अर्थ था? और साथ ही व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय में उनके क्या विचार थे? देखिए, एक बड़ी रोचक घटना है जी, कि जब बाबा साहब अम्बेडकर 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए लंदन गए, तो वहाँ अंग्रेजों से ये सवाल उन्होंने किया। देखिएगा, मेरा समाज, उस वक्त डिप्रेस क्लासेस कहा जाता था, आपके आने से भी पहले, आपके आने के बाद हमारे जीवन स्तर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया, ना हमें शिक्षा में स्थान मिला, ना हमारा आर्थिक उत्थान हुआ, अब हमारा स्थान कहाँ होगा, कैसे होगा? तब उन्होंने एक वर्ड कहा था और वो वर्ड था, दोज डेज हैज गॉन व्हेन यू वर टू चूज एंड हु वर टू एक्सेप्ट इट, नेवर टू रिटर्न बैक। ये शब्द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब कहे गए, आप अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम इस देश को खुद चलाने के लिए ललायत हैं, ये सबसे बड़ी घोषणा थी कि 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये घोषणा कही, जहां हम जैसे भी हैं आप छोड़ दीजिएगा, दो डेज हैज गॉन
when you were to choose and who were to accept Indians, never to return back. तो यही सिद्धांत जो अंग्रेजों की पार्लियामेंट या फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1930 में कहे, तो वही संविधान का मूल उद्देश्य बना. अब हम भारत के लोग इस देश को चलाएंगे, हम अपना संविधान बनाएंगे, ये उनकी मूल भावना थी. जब ये बात महात्मा गांधी जी को पता चली कि डॉक्टर अम्बेडकर ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये शब्द कहे, तो उनके विचार इतने बदल गए, जो महात्मा गांधी जी डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से भी थोड़ा सा विचलित हो जाते थे और वो ये कहते थे असली तो अछूतों का नेता मैं हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ से हो गए. वो डॉक्टर अम्बेडकर को ब्राह्मण मानते थे और जब उन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी कि इंग्लैंड में अंग्रेजों के सामने उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो अब हम खुद राज करेंगे, वो दिन चले गए, वो लद गए दिन, हमें छोड़ दीजिए, हम अपनी देश अपने हिसाब से चलाएंगे. तो ये बात सुनकर महात्मा गांधी जी गदगद हो गए और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को निमंत्रण दिया, आप मेरे पास आइए, मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ. तब डॉक्टर अम्बेडकर को ये कहा गया बाबा साहब को महात्मा गांधी जी द्वारा कि भाई आपने अपने जीवन की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, बहुत जीवन में उतार चढ़ाव, भेदभाव, छुआछूत सही, और इतने ऊंचे पद पर पहुंच गए, मुझे ताज्जुब है, मुझे बड़ा आपके ऊपर नाज भी है, आपने मेरा सर क्यों नहीं फोड़ दिया. ये चीजें बाबा साहब अम्बेडकर की जो फर्स्ट बायोग्राफी है धनंजय कीर ने लिखी, उसके अंदर ये चीज़ें उपलब्ध हैं और वो किताब बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद भी देखी थी. ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, दर्शकों को कई बार ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर वैचारिक बहुत बड़ी दूरी थी और वो अपने आप को अछूतों का नेता मानते थे. गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे मैं हूँ. तो एक बात तो ये भी कहना पड़ा महात्मा गांधी जी को, मैं ठीक है अगर आप इनके नेता हैं तो मैं एक इनके नर्स के रूप में हूँ, मैं भी इनको उतना ही प्यार करता हूँ. तो ये एक ऐसी रोचक घटनाएं हैं कि बाबा साहब को नज़दीक लाए. लेकिन उन्होंने बहुत सारे काम भी किए उस वक़्त के डिफेंस क्लासेस को उत्थान के लिए, लेकिन उन सबसे ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर था, कोई ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे कोई विकास हो पाया. लेकिन अंत में अगर कुछ चीज़ मिली, अगर डिप्रेस क्लासेस को जो आज के डेट में हम शुरू कास्ट कहते हैं, जिन्हें शुरू ट्राइब कहते हैं, वो संविधान के माध्यम से मिली. एक और रोचक घटना है, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना ड्राफ्ट बनाया तो उसमें रिजर्वेशन फॉर शुरू कास्ट एंड शुरू ट्राइब एंड ओबीसी को रखा, और जब रखा तो उस वक्त माइनॉरिटी कमेटी के चेयरमैन होने के नाते से सरदार पटेल जी ने उनका विरोध किया कि कोई भी किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होगा. बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा तो ठीक है अगर आप आरक्षण नहीं रखना चाहते तो मेरे जीवन का तो आदर्श और मूल मंत्र ये रहा है कि मैं इस डिप्रेस क्लासेस को किस तरीके से पार्ट ऑफ द गवर्निंग सरकार का पार्ट बनाऊँ, ये मेरी सत्ता में भागीदारी कैसे करवाऊं. तो जब तक मैं सत्ता में भागीदारी नहीं करवा पाऊंगा तो मेरे जीवन का मूल्य खत्म हो जाएगा, मेरे संघर्ष का अर्थ ही खत्म हो जाएगा. इसलिए उन्होंने आर्टिकल 14, 15 और 16 में रिजर्वेशन रखी और आर्टिकल 335 के मुताबिक रिजर्वेशन इन सर्विस को रखा, और रिजर्वेशन इन सर्विस तब तक जारी रहेगी जब तक संविधान में ये प्रावधान रहेंगे. पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक अलग चीज है, वो 10 साल के लिए थी, उसको बढ़ाया जा रहा है. सर हम उन्हें एक समाज सुधारक के रूप में तो देखते ही हैं और उस पर भी हमने बहुत बातचीत की, पर हम उन्हें एक अर्थशास्त्री के रूप में भी देखते हैं. देखिए अर्थशास्त्र के रूप में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको हम बड़े उनको जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रुपए के ऊपर जब लिखी, तो उस वक्त की जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें उसका जिक्र आया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी है इकोनॉमिक्स के ऊपर कि भारत
कि लोगों को जब बाहर से चीज खरीदनी पड़ती है तो पौंड में देनी पड़ती है, और जब हम कोई चीज कच्चा माल निर्यात करते हैं तो इंडियन रुपी में हमें पेमेंट मिलती है, वो हमें कम मिल रही थी, उसमें डिस्पैरिटी थी। तो इस का उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, ये हमारा साथ शोषण हो रहा है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो रही है। इंग्लैंड में हमारा कमाया हुआ खून पसीने की कमाई इंग्लैंड खा रहा है। तो उस थीसिस को बेस मानते हुए उनको एक डिग्री दी, और यही डिग्री मिलने के बाद उनको डी लिट मिली। और जिस वक्त इनको डी लिट मिली कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उस वक्त इनको 1950 में उन्होंने कहा था, लेकिन उस वक्त ही काउंसिल लॉ मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर होने के नाते से किसी देश के किसी अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। जब इन्होंने रिजाइन कर लिया उसके बाद ही इंग्लैंड गए, वहाँ अमेरिका गए, अमेरिका में जब वो डीलिट डिग्री इनको प्रदान की, उस डिग्री के अंदर लिखा हुआ है ही डॉक्टर अम्बेडकर इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी सर, सर मैं बताना चाहूँगी अपने सभी दर्शकों को कि इस सत्र में हमारे पास अभी 10 मिनट का समय शेष है। यदि कोई भी आपके सवाल हैं, किसी उलझन में हैं, आप कोई डाउट्स हैं आपके, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भी पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर और एक मेल आईडी भी आप सभी की स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। तो सर, क्योंकि समय बहुत कम है, तो इसलिए मैं आज जल्दी से आपसे निवेदन करूँगी कि जब भारत सरकार ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया, तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। और क्या अंत में हम ये कह सकते हैं कि भीमराव जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा से युक्त था। 1990 में उनके शताब्दी वर्ष में उनको भारत रत्न दिया गया, जो देश की सबसे बड़ी उपाधि है उससे उनको अलंकृत किया गया। जी सर, और सर उनके जीवन जैसे संघर्ष तो था ही उनके जीवन में ऐसा बहुत कुछ था जो हमारे सभी दर्शक, खासतौर पे जो हमारे विद्यार्थी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनसे वो शिक्षा ले सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप उन मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा दें हमारे सभी दर्शकों के लिए। देखिए, नेट सेल में तो मैं ये कहूँगा कि संविधान निर्माण करते वक्त से लेकर और उनके अंतिम जीवन तक उनका लक्ष्य रहा कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी का हम निर्माण करें, नंबर एक। नंबर दो ये कि जब वो संविधान निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था संविधान सभा में अपने 25 नवंबर 1949 के भाषण में, इस चीज को बहुत क्लियर कट शब्दों में कहा था कि मैंने इस संविधान के मुताबिक सामाजिक और राजनीतिक तो इक्वलिटी बन ले आया, जैसे राजनीतिक इक्वलिटी में वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये उन्हीं का प्रतिपादित सिद्धांत था कि एक व्यक्ति एक ही वोट देगा, चाहे वो अमीर है या गरीब। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी तो आ गई। अब सोशल के में उन्होंने कहा कोई भी आदमी, कोई भी नागरिक किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक प्लेस के अंदर छुआछात नहीं बरतेगा, ये सामाजिक बराबरी हो गई। फिर उन्होंने सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 335 में परमानेंट किया गया। तो ये उनकी एक सपना था, इस सपने को लेकर चले, और ये संविधान बद्ध है, ये कोई उनका अपना पर्सनल एजेंडा नहीं, उन्होंने संविधान सभा में इस चीज को पास कराया, और देश उनका ऋणी है कि आज देश दिन जितनी भी तरक्की कर पाया है, कुछ कुरीतियाँ अभी भी हैं, कमियाँ हैं, ये चलती रहेंगी। इसके चलते हुए मैं यही कहूँगा शिक्षक विद्यार्थियों से और शिक्षकों से, आज के दिन ये संदेश है कि हम देश में जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी डिस्पैरिटी को ख़त्म करें। ऐसी उनकी मान्यता थी कि इसे डिस्पैरिटी को, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को जल्दी से जल्दी रहते हुए ख़त्म किया जाना चाहिए। ये हमारी सारी सरकारों से ये एक नीतिगत प्रेरणा है संविधान की कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को हम पूरा करें। और साथ ही सर, मुझे लगता है कि एक और जरूरी सीख हमें उनके जीवन से मिलती है कि यदि परिस्थितियां विपरीत भी हों, यदि आपको लगे कि हवा की दिशा जो है वो आपको फॉलो भी नहीं कर रही, आपके लिए बहुत मुश्किल भी हो जाए, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए,
मुझे लगता है जो विद्यार्थी कार्यक्रम देख रहे हैं अपने जीवन में वो इस बात का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे लागू कर सकते हैं। देखिए, विद्यार्थियों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो अपना जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य लेकर अवश्य चले जी। और परिस्थितियाँ पारिवारिक हों, सामाजिक हों या और किन कारणों से हों, आर्थिक भी कारण हो सकते हैं, अगर वो लक्ष्य लेकर चलेगा तो वो अपने काम में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जरूर कामयाब होगा। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर इतनी गरीबी हालत में होते हुए भी इतने ऊंचे पद पर पहुंच गए। मेरा जैसा व्यक्ति एक साधारण सा था, आज मैं आपके सामने हूं, क्योंकि मैंने शोध किया है डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर और मैंने लगातार निरंतर इस काम को अपनाया हुआ है कि जितना हो सके हम अपने इतिहास में से, अतीत में से उन चीज़ों को निकाल के लाएँ और समाज के सामने रखें, जो मूल स्थिति है उससे अवगत कराएं। बिल्कुल सर। और जाते जाते सर, मैं चाहूंगी कि एक अंतिम संदेश, एक पैगाम आपकी तरफ से हमारे सभी विद्यार्थियों को, जितने भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं। मेरा यही संदेश है बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा कि हम समाज में जो फैली कुरीतियां हैं उनको जल्दी से जल्दी कास्टलेस, क्लासलेस सोसाइटी बनाने की तरफ हम जाएं, ना कि हम रोजाना अपने जीवन में संकीर्णता को बनाए रखें। ये हमें छोड़नी पड़ेगी। जितना हो सके हम इस संविधान को मूल रूप से अंगीकृत करें, यही हमारा विद्यार्थियों को संदेश होगा। तो मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक हमारा आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं बखूबी आप समझ चुके होंगे कि आज किस तरह का विचार हमने आप सभी के समक्ष प्रकट करने की कोशिश की। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी हुई जो भी अहम बातें थी सर ने वो साझा की आप सभी के साथ। सर, अंतिम 2 मिनट का समय हमारे पास अब भी शेष है, यदि कुछ और आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, पर बहुत जल्द। देखिएगा, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अंत में एक संदेश देना चाहूँगा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा है कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति ठीक नहीं होंगे तो वो संविधान ठीक नहीं कहलाएगा। और अगर कोई भी संविधान कितना भी कमजोर क्यों ना हो, कमियां क्यों ना हो, उसको क्रियान्वित करने वाले, इम्प्लीमेंट करने वालों की सोच सही होगी, वो ईमानदारी से काम करेंगे, तो वो बुरा संविधान भी जो है हम उसको सही साबित कर पाएंगे। यही हमारा आज का उद्देश्य है। और सर, शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा उस पर भी 2 लाइन्स। देखिएगा, उनका ये था ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पाकर हम एक समाज में जो दूरियां हैं, विषमताएं हैं, चाहे सामाजिक है या आर्थिक है, इनको दूर करना ही हमारा एक ध्येय होना चाहिए। चाहे उसके लिए हमें कितनी भी एक दूसरे के लिए सुविधा क्यों नहीं देनी पड़े और समय देना पड़े, चाहे वो आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, रिजर्वेशन का हो, हम इसको बरकरार रखें। यही एक ऐसा पैगाम है कि डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से हम शिक्षा पा सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहने के लिए और इतनी खूबसूरती से हमारे सभी विद्यार्थियों का, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। आपके समय के लिए सर हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जितने भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे थे, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा खास कार्यक्रम था जिसमें हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर और उनका राष्ट्र निर्माण में जो अहम योगदान है उसके बारे में भी आप सभी को हमने अहम जानकारियों से अवगत कराया। तो आप देखते रहिए पीएमई विद्या चैनल्स और बने रहिए एनसीईआरटी ऑफिशियल के साथ। कुछ ही समय में एक और खास सत्र लेकर वापस लौटेंगे। समावेशी कक्षा से जुड़ा हुआ हमारा ये सत्र रहेगा, तो आप देखते रहिए विद्या चैनल्स। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।